आज फाइनली हमारी सेम टू की थ्योरी एग्जाम खत्म हुई है. आज एनाटॉमी का पेपर था एंड इट वाज क्वाइट गुड. एग्जाम गया ठीक, मतलब हाँ ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैंने अपना पूरा दिया, पर हाँ जैसे भी पेपर सही गया. तो वी आर लिटरली फ्री बिकॉज आज 9 तारीख है एंड 10-11 वी हैव टाइम एंड देन 12 एंड 13 को फिर हमारी प्रैक्टिकल स्टार्ट होगी 12 से. तो 12 को वी हैव फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल एग्जाम, देन 13 को वी हैव एनाटॉमी प्रैक्टिकल एग्जाम एंड देन 17th को, या बीच में 3 दिन का गैप है, फिर बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल एग्जाम. सो या आज तो वी आर फ्री बट आई एम थिंकिंग ऑफ स्टडिंग. सो आई वॉन्टेड यू टू नो समथिंग कि आई वॉन्टेड टू शेयर समथिंग विच आई फेस टूडे. शाम को आज क्या हुआ कि वन ऑफ माई बैच मैथ्स, नाम नहीं बोलना चाहिए, दैट पर्सन गॉट यू नो अनकॉन्शियस. आई डोंट नो वाई, क्या हुआ कि वो इनकॉन्शियस अनकॉन्शियस हो गई वो. फिर वॉट हैपेंड इज उसके बाद वी गॉट टू नो कि आई गॉट टू नो कि पेस मेकर कुछ चीज़ होता है जो उस पर, मतलब पेस मेकर किसी पे लगाया जाता है तो देन पीपल रिएक्ट दिस वे एंड ऐसा होता रहता है नॉर्मली, कभी कभी हो जाता है. तो इट वॉज वेरी मच यू नो शॉकिंग फॉर मी एंड आई गॉट टू लर्न समथिंग न्यू. सो अभी मैं वही सर्च कर रही थी एंड सेमीज फाइनलिस्ट कैपिटिस. तो व्हाइल रीडिंग दिस ईसीजी ग्राफ, दिस इज द एसटी सेगमेंट. इफ इट एलिवेट्स देन there is a case of myocardial infarction and then hyperkalemia. But if it depresses, then ischemia or hypokalemia occurs. Look at this. It shows the ST elevation and this is showing the, this is also ST elevation and ST elevation is shown in all the four graphs. Well, I'm now getting ready for my Viva exam. Today is the first day of exam. Today is physiology practical exam. And here I am getting ready for it. The second day of practical examination. Today is anatomy examination. So I'll talk to you later. सबसे पहले हिस्टोलॉजी हुआ, उसमें 5 जगह पे 5 स्लाइड था. हिस्टोलॉजी था तो उसमें जैसे तैसे पता चल गया स्लाइड कौन सा था, लेकिन जब स्लाइड देखने गए तो लगा कि ये वो नहीं है, ये कुछ और है लग रहा है. थायरॉयड था, थायरॉयड यूरेटर या यूटरस में बहुत कन्फ्यूजन था, और यूटरस का तो कभी देखा ही नहीं स्लाइड. एक स्पेशल स्लाइड हुआ, अंदर ही हुआ क्रेनियम बोन्स का वाइवा. हाँ, एक में थोरेक्स एब्डोमेन का अलग से विसरा था और एक न्यूरो का अलग से विसरा था. तो हम लोग न्यूरो में गए तो फिर न्यूरो में ब्रेन स्टेम था, ब्रेन स्टेम को उल्टा पकड़ लिया. तो टंग का नर्व सप्लाई, लिंगुअल नर्व बोलते 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 ठीक है जाओ तुम लोग जाओ, हो गया इतना ही और कुछ नहीं. किसी किसी को ये बोल रहे थे कि देखो लास्ट में ना ऐसा भी होगा कि तुम लोग को बस पकड़ने देके एक चीज़ पूछ के छोड़ देंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं करना है, कि खराब नहीं सोचना है कि कुछ पूछा नहीं कुछ नहीं, बस बेसिक पढ़ के आना. बॉर्डर सर्फेस का प्रॉब्लम ये है कि सब सारा विसरा में बॉर्डर है, अलग अलग सर्फेस अलग अलग है, तो किस में कन्फ्यूज हो जाता है ना, दिखता भी तो नहीं है प्रोमिनेंटली कि यही बॉर्डर बोलना है यही सर्फेस बोलना है. उसके बाद इंफीरियर सर्फेस में इंप्रेशन पूछा था, लेकिन मेरे को जो जो आता था मैंने सब बोल दिया. उसके बाद हुआ ओस्पी, फिर ओस्पी में 5 चीज था, 5 पॉइंट है ना, 5 जगह पे है ना, तो डाइसेक्शन 5वां नंबर पे है. तो बॉडी पे 2 जगह पे लिखा हुआ, 2 जगह पे पॉइंट था, तो दोनों क्वेश्चन पेपर बनाया उसमें. फाइनली एनाटॉमी हो गया. पूरे रात मतलब फास्टिंग करने के बाद भी लीवर से ग्लूकोज रिलीज नहीं हो रहा है, नेसिस भी नहीं हो रहा है. फॉर नियोनाटल हाइपोग्लाइसेमिया मेंटल डेवलपमेंट नॉर्मल होगा क्योंकि इसमें तो
मेंटल नॉर्मल कहाँ नहीं होगा, उसमें गैलेक्टोजेमिया में रिटार्डेशन होगा और इसमें नॉर्मल होगा। लेट कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड रीनल स्टोन। तो तेरे पास एक पेशेंट आया अबव 60 इयर्स ऑफ एज, चेस्ट पेन का सिम्टम लेके, और वो विद इन 24 आवर्स ऑफ चेस्ट पेन आ गया तेरे पास, तो तुझे बोलना है कि उसके अंदर क्या डिजीज है। तो सबसे पहले देखना के जो है बहुत ज्यादा हाई हो गया है ना। हाँ, और LDH नॉर्मल है आफ्टर 24 आवर्स वो राइज करेगा। अगर ये दोनों साथ में दिख गया मतलब ये एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। हाँ, तो इसके लिए हम लोगों को कार्डियक मार्कर्स का सारा एंजाइम्स वगैरह पढ़ना होगा। सो टुडे इज द लास्ट एग्जाम ऑफ बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल, आई एम गेटिंग रेडी, आई एम वेरी नर्वस व्हाट विल हैपन। आज के बाद रिलैक्स्ड फील करेंगे हम सब, एंड आज के बाद डायरेक्टली फेब्रुअरी 2 से होंगी हमारे मेन एग्जाम स्टार्ट। And I've not been able to upload everything at the time when I was doing the thing, but you know, whenever I could get the time, I'll try to upload 10. How painful it is to stay away from the parents. It's not just about being alone and staying away from parents. It's also about the condition, the circumstances around which you have to live. You have to adjust a lot, and the people around you might not be, you know, you might not find them quite honest and all. A lot of problem arise, you know. It's like we are living with our friends, with our classmates all together. So we got to see each other's good as well as the bad sides. So I had to take a lot of time in order to adjust in this environment. So yeah, milte hai after my exam. Finally exam khatam hua, oh my god. Abhi 1.5 months ke baad MB 2nd February se. To ab uske liye bhi bahut tension ho rahi hai. Par we hope ki hum log syllabus complete kar le, and practical to kuch haath mein hai nahi kyunki teacher pe depend karta hai, fir depend karta hai ki aapke sath kaun vaiva dene ja raha hai. अगर आपके सामने वाला ज़्यादा बोलता हो तो फिर आपकी बैंड बच जाएगी, अगर आप ज़्यादा बोलते हो तो उसमें भी आपको स्पेसिफिकली बोलना होगा। तो ये बोलना सही है कि अपना बेस्ट दो, पर प्रैक्टिकल में बिल्कुल नहीं बोल सकते कि अपना बेस्ट दोगे तो अच्छा ही होगा, वो लक पे भी डिपेंड कर जाता है प्रैक्टिकल कैसा होगा। तो हमारे हाथ में अभी सिर्फ थ्योरी ही है, तो उसी को बेस्ट करते हैं। अभी हमारी मूवी नाइट चल रही है, ये फिजिक्स वाला। तो फाइनली दिस एग्ज़ाम सीजन एंडेड एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई फर्स्ट MBA एग्ज़ाम। सो लेट्स मीट अगेन लेटर।